हमारे साथ अप टू डेट रहने के लिए सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर, और साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी दबाना ना भूले सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, सरकार की तरफ से जो है प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं उनके लिए काफी बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। सरकार जो है आने वाले टाइम में काफी बड़ा फैसला लेने जा रही है। मैं आपको इस वीडियो में पूरे डिटेल से अच्छी तरह से बताऊंगा कि क्या नया अपडेट निकल के आ रहा है सरकार की तरफ से प्राइवेट कंपनी में जो जॉब करते हैं, पीएफ से संबंधित और ग्रेजुएटी से संबंधित और भी जो है काफ़ी सारे अपडेट निकल के आ रहे हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरी देखना, पसंद आए तो लाइक कर देना, और इस तरह की वीडियो पाना चाहते हैं चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप मेरे को ट्विटर इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरी ट्विटर इंस्टाग्राम आईडी है @iPradeepSharma। तो फ्रेंड्स, अब चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ क्या अपडेट निकल के आ रहा है प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार की तरफ से। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट निकल के आ रहा है नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, लेबर कानूनों में बदलाव से चेंज होंगे पीएफ बोनस समेत कई नियम। तो चलिए मैं आपको पूरी डिटेल से बता देता हूँ यहाँ पे कि कोई कंपनी भले 3 महीने के लिए ही काम पर रखे तब भी अब पीएफ बोनस ग्रेजुएटी लेने का अधिकार कर्मचारी इंप्लॉय राइट्स के पास होगा। कंपनी को भी इस बात का अधिकार मिलेगा कि काम होने पर वो कर्मचारी को रखे और काम पूरा होने पर निकाल दे। सरकार लेबर कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन के जरिए फिक्स टर्म यानी तय समय के लिए रोजगार से जुड़े प्रावधानों को अब कानून का रूप देने जा रही है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, नंबर वन, लेबर कानूनों में बड़े बदलाव को कैबिनेट ने दी मंजूरी। बुधवार को ही कैबिनेट बैठक में लेबर कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन 2019 को मंजूरी मिल गई है। अब सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में इसे पेश करेगी। दूसरा जो बदलाव है, नए बदलाव में क्या होगा, इसमें यह होगा कि फिक्स टर्म यानी तय समय के लिए रोजगार पर नया कानून बनेगा। कंपनी 3 महीने या 5 महीने के लिए भी रख सकती है। काम खत्म होने पर कर्मचारी को निकालने का अधिकार कंपनी को मिलेगा। और यहाँ पे एक और है, फिक्स टर्म के लिए रखे गए कर्मचारी को स्थायी कर्मचारी के बराबर सुविधाएं देनी होंगी। तय समय के लिए रखे गए कर्मचारियों को भी ग्रेजुएटी बोनस पीएफ का फायदा देना जरूरी होगा। आपको बता दें कि मौजूदा समय में तय समय के लिए कर्मचारी कॉन्ट्रैक्टर के जरिए ही रखा जा सकता है। और यहाँ पे एक और कुछ बातें और बताई गई हैं कि 100 से ज़्यादा कर्मचारी होने पर निकालने या कंपनी बंद करने के लिए सरकार से मंजूरी लेना जरूरी है। हालांकि कर्मचारियों की संख्या सरकार ने नोटिफिकेशन के जरिए बदलने का प्रावधान किया है। आपको बता दें कि मौजूदा कानून के तहत कर्मचारियों की संख्या सरकार नोटिफिकेशन के जरिए नहीं बदल सकती है। और ये नियमों के खिलाफ यूनियन ने किया हड़ताल का फैसला। यूनियन ने प्रस्तावित कानूनों के विरोध में 8 जनवरी को हड़ताल का फैसला किया है। लेबर यूनियन को स्थायी कर्मचारियों को फिक्स टर्म में बदलने का डर है। कंपनियों ने किया नए नियमों का स्वागत। इंडस्ट्री के मुताबिक नए प्रावधानों से रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे। कंपनी को ये अधिकार होगा कि वो कॉन्ट्रैक्टर के बजाय खुद ही ऐसे कर्मचारियों को हायर कर ले। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट निकल के आ रहा था जो है नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, लेबर कानूनों में बदलाव से चेंज होंगे पीएफ बोनस समेत कई नियम। तो अगर आपको इस न्यूज़ को पूरी डिटेल से पढ़ना है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वहाँ पे जाके इस न्यूज़ को आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। अब आप मेरे को कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताना सरकार ये जो नियम है, ये जो है कानून लेके आ रही है, इसमें जो फैसले लेने जा रही है वो कैसे आपको पसंद आए कि नहीं आए, आपको क्या लगता है ये सही है कर्मचारी के लिए सही है या फिर कंपनी के लिए सही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना सरकार का ये फैसला आपको पसंद आया फिर नहीं आया। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय, अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।